दोस्तों सीधा आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और एक ऐप डाउनलोड करना है लॉन्चियर 2, जिसका नाम है लॉन्चियर 2। यहाँ पर देखिए आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में नेविगेशन नहीं है, जैसे कि अगर ये बैक करने वाला सिस्टम नहीं है, तो उसके लिए भी एक ऐप आता है फ्लुएड नेविगेशन जेस्टर करके आता है, उसे भी आप लोग को डाउनलोड कर लेना। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। उसके बाद जो कि आपको गूगल पिक्सल लेटेस्ट मॉडल में आप लोग को जो नेविगेशन मिल जाता है, इस तरह से करिएगा तो होम, इस तरह से करिएगा तो बैक, इधर करिएगा तो इस तरह का आप लोग को इफेक्ट मिल जाएगा। तो सिंपली आपको लॉन्चियर ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद देखते हैं डाउनलोड हो जाता है तो दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। तो आपको सिंपली इस ऐप पर जाना है और अलाउ कर देना। फुल्ली लुक चेंज नहीं हुआ, इसके लिए आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना होगा, जिसके लिए आप सिंपली स्क्रीन पर टैप करिएगा तो होम पे जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले डेम्स में जाना है। डेम्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन शेप में जाना है और वापस सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आप लोग को नीचे जाना है और आपको फॉन्ट, यहाँ फॉन्ट मिलता है। तो आप लोग को फॉन्ट में जो भी आप लोग को मतलब मर्ज हुई हो, यानी कि जो आप लोग को अच्छा लगे, वो यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को फॉन्ट मिल जाते हैं। तो आप लोग को जो मर्जी हो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एट ए ग्लैंस, यानी कि आप जो ऊपर में जो आता है डेट ऑन टाइम, उस सब में उसमें भी आप लगा सकते हैं। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद नीचे लेवल एक्शन ये सब को छोड़ देना है। उसके बाद फिर बैक में जाना है। उसके बाद डेस्कटॉप में जाना है फ्रेंड्स। डेस्कटॉप में आपको आइकन पे 5x5 कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पर फिर आप लोग को नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद आप लोग चाहे तो हाइड नोटिफिकेशन स्टेटस बार कर सकते हैं। उसे क्या होगा कि आपको होम स्क्रीन पर स्टेटस बार नहीं दिखाई देगा, तो आप कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है। आप लोग अपने इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं। यहाँ पर एट ए ग्लेंस, यानी कि आप लोग को जो मिलता है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया उसी के हिसाब से आपको मर्जी है टाइम सेलेक्ट करने का। टाइम आपको मर्जी है कि आप बड़ा टाइम सेलेक्ट करें तो आप बड़ा सर्च सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को जो सेलेक्ट करना है वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली यही वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको दबा के आप रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिंपली आपको होम पर आ गया ये। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग जैसा देखते हैं कि यहाँ पर एक ड्रो आता है ऐप का, तो सिंपली आप लोग को नीचे से सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप लोग का जो फेवरेट ऐप सब है वहाँ से आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से आप लाइनिंग बना करके आप ऐप को रख लीजिएगा। आप लोग जो आप नॉर्मल यूज करते होंगे वो सब आप ऊपर रख सकते हैं, और अगर नहीं यूज करते हैं तो आप नहीं भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रखिएगा फ्रेंड्स, तो फुल्ली लुक चेंज हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ आप लोग को इस तरह से दिखता होगा। आप लोग अगर बैकग्राउंड वाइट नहीं है रखने का मन, तो यहाँ पर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आप लोग को नीचे जाना है और शो बैकग्राउंड में जाना है। शो बैकग्राउंड में जाइएगा तो आप लोग देख सकते हैं ये है। आप लोग को जो लग सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को नीचे जाना है और शेडो भी सब सेलेक्ट करें। देखिए कॉर्नर ये होता है, जैसे कि आप ये, जैसे आप मैं बता देता हूँ आप लोग को, जैसे आप इसे ऊपर किए तो यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स कॉर्नर बनता है वो है कॉर्नर। तो आप फिर उसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट। मैं 22 पे ही रखूँगा। उसके बाद आप लोग को एरो अगर चाहिए, जैसे कि आप दिखा देता हूँ फ्रेंड, आप लोग को एरो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो आ गया। पहले एरो नहीं आता था लेकिन अब आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बैकग्राउंड वाइट है उसको चेंज करने का बता देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको मन है ब्लू यू तो ये सब आप रख सकते हैं, और आपको मन है कस्टम कर दें, यानी कि अपने से इसको एडिट करें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप बैकग्राउंड को ओबेसिटी यानी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना कर दिया, आपको वाइट नहीं दिखाई देगा, आपका जो डिस्प्ले है उसके हिसाब से ही दिखाई देगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहिएगा तो गूगल का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च स्टाइल है तो यहाँ पर वॉइस बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे और अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ कलर आप डार्क भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब गूगल यहाँ डार्क हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में। इसके बाद आप नेविगेशन लगा दीजिएगा फ्रेंड्स, आपका जो होम स्क्रीन एकदम मस्त हो जाएगा। फुल्ली लुक पिक्सल 4 लुक लाइक एकदम सेम हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स गो।